पिछले दिनों हम सब आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और आप रिजर्वेशन के ऊपर कुछ लिखते हैं तो एक कमेंट आता है, वो आप सबने सुना होगा कि भीख क्यों मांग रहे हैं। आप सबने सुना होगा, आप सबने फेस किया होगा इस कमेंट्स को। फिर मेरे दिमाग में एक बात आई कि ये सच्ची बात है कि हम भीख क्यों मांग रहे हैं और किससे भीख मांग रहे हैं। जब हम ये कहते हैं कि हम लोकतंत्र में रहते हैं और लोकतंत्र में संख्या महत्वपूर्ण है, और हम ये भी कहते हैं कि हमारी संख्या 85% है, तो हम देने वाले क्यों नहीं हो गए, हम लेने वाले अभी तक मांगने वाले क्यों बने? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो तो बार बार मेरे दिमाग में, और जब भी कहीं पर बात आती है तो मैं बताने की कोशिश करता हूं क्या वजह है। अगर इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम ओबीसी रिजर्वेशन के ऊपर, ओबीसी के प्रतिनिधि के ऊपर बात करते हैं, 27% रिजर्वेशन दिया गया है, आबादी 52% तो घोषित है, जो सबसे पहला जो जातीय जनगणना जहां पर हुआ वहीं से 52% है। यह भी सच्चाई है कि अगर जनगणना को ही अगर ध्यान में रखकर आज भी अगर हम कोशिश करें उसको और विस्तार देने की कोशिश करेंगे तो कम से कम 52% आबादी तो है ही, ओबीसी की इससे ज्यादा होगी, इससे कम नहीं होगी। रिजर्वेशन दिया गया है 27%। चलिए, क्या ये 27% भी प्रॉपर दिया गया है? ये सवाल मैं यहां पर इसलिए उठा रहा हूं और इन चीजों के ऊपर चर्चा हम इसलिए करना चाहते हैं कि जो एससी एसटी और ओबीसी के रिजर्वेशन में थोड़ा सा फर्क है। एससी एसटी के रिजर्वेशन को कहीं कहीं जो समाज है उसने जल्दी स्वीकारा, हो सकता है कि एक समझ रही होगी या एक मानस रहा होगा कि हाँ जी एससी एसटी का जो समाज है इसको जरूरत है रिजर्वेशन की, इसको प्रतिनिधित्व देने की जरूरत है। लेकिन ओबीसी रिजर्वेशन के संदर्भ में यह बात नहीं है और ओबीसी रिजर्वेशन को स्वीकार करने में कहीं कहीं समाज में परेशानी महसूस करते हैं लोग। उसकी एक वजह स्वयं ओबीसी समाज, आप देखेंगे जो दलित समाज है उसमें आपसी यूनिटी और खास करके पहचान का जो मामला है उसमें उनको कोई दिक्कत नहीं होती, वो अपने आप को दलित पहचान के रूप में बताने से झिझकते नहीं है। वो मानते हैं कि एससी के अंदर जितनी भी जातियां हैं वो एक तरह के समाज के अंतर्गत आती है, वो है दलित समाज। इसी तरह से आदिवासियों के बीच में वो मानते हैं कि वो आदिवासी समाज से आते हैं चाहे उनकी कोई भी जाति है। लेकिन ओबीसी समाज को अगर आप देखने जाएंगे तो वहां पर उनकी जातीय पहचान ओबीसी की पहचान से ऊपर रखी जाती है, उनसे करते हैं लोग। आप देखिए वहां पर लोग यादव कहलाने के ज्यादा उनको अच्छा लगता है बजाय उसको अपने को पिछड़ा वर्ग में रखने, कुशवाहा कहलाना ज्यादा अच्छा लगता है, सैनी कहलाना ज्यादा अच्छा लगता है, ओबीसी कहलाने में थोड़ी उनको भी झिझक होती है। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए आप देखेंगे अभी लगातार हायर एजुकेशन के अंदर ये डिस्कशन चल रहा है तो कहीं कहीं एससी का रिप्रेजेंटेशन जो रिक्वायर्ड 15% है उसके आसपास पहुंच गया है, 11% 12% के आसपास हम पहुंच गए। लेकिन जहां ओबीसी की बात आती है वहां 27% के हम 7% पे भी पहुंचे। उसकी दो तीन वजह है, थोड़ा सा एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देना चाहता हूं किस तरीके से ओबीसी रिजर्वेशन की संकल्पना ना 1950-1953 की संकल्पना है, आज की संकल्पना नहीं है, और कहीं कहीं हमारे संविधान का वो हिस्सा रहा इसलिए 1953 में काका कालेलकर की कमेटी बनाई गई और उसी काका कालेलकर की कमेटी की रिपोर्ट 1955 में आई और वहां पर रिजर्वेशन निर्धारित किया गया था ओबीसी के लिए 25% से लेकर 40% का वेरिएशन था, डिपेंड कर रहा था कि किस तरीके की सर्विसेज है, जो क्लास 3 और क्लास 4 की सर्विसेज उसमें होते थे वहां पर 40% रिजर्वेशन की बात थी और वो अपर लेवल पे जाते जाते वो 25% रिजर्वेशन था। और एक अनोखी कमेटी है काका कालेलकर कमेटी जिसका चेयरमैन जिस काम के लिए बनाया गया है, जो अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है उसी के खिलाफ लिखता है। आप काका कालेलकर कमेटी उठा के पढ़िए, ओबीसी रिजर्वेशन के लिए बनाया गया है, रिकमेंडेशंस है और लेकिन ओबीसी रिजर्वेशन के खिलाफ लिख के सबमिट करते हैं, ये ऐतिहासिक कमी थी। और उसके बाद क्या होता है, 1955 का रिकमेंडेशन डंप कर दिया जाता है, 28 साल तक उसकी कोई सूद नहीं ली जाती, 28 ईयर्स कोई ओबीसी रिजर्वेशन पे बात करने के लिए निकल के नहीं आता है। जो भी सरकारें रही उन सरकारों ने उसको पहन के लगातार दबाने की कोशिश की। दोबारा से ओबीसी रिजर्वेशन तब चर्चा में आया जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने
कांग्रेस की सरकार नहीं थी, अन्य दलों की सरकार बनती, जानते हैं आप, जनता पार्टी या जनता दल, जनता पार्टी की सरकार। 1978 मंडल कमीशन, और मंडल कमीशन का रिकमेंडेशन है 27% रिजर्वेशन का। मैंने एक दो बार बात करी, ये सवाल जो कि बार बार दिमाग में घुमाता रहता था कि हमारे जो आबादी 52% है, तो आखिरकार मंडल जी ने 27% रिजर्वेशन का रिकमेंडेशन क्यों किया? तो सूरज जी उनके प्रपोज है, उनसे मैंने कई बार बात की, उन्होंने बहुत सटीक बात बताई कि मंडल जी को भी ये पता था कि मैं जो रिकमेंडेशन करने जा रहा हूं वो रिक्वायर्ड नहीं है, उससे ज्यादा चाहिए है, लेकिन उनके दिमाग में एक बात चल रही थी कि जब 40% का रिकमेंडेशन हुआ तो लागू नहीं हुआ, कुछ ना कुछ ऐसा करो ताकि कम से कम लागू तो हो जाए। एक बार ये जानकारी में एक मतलब सरकार कम से कम मान को लेकर आगे ओबीसी को रिजर्वेशन दे रहे, इसलिए उन्होंने जानबूझकर संख्या ज्यादा रहते हुए भी 27% रिजर्वेशन का रिकमेंडेशन दिया। लेकिन आप देखिए उस मंडल कमीशन का भी क्या हासिल हुआ, 1978 की कमिटी, उसके रिकमेंडेशंस आए, उसको भी डंप कर दिया गया। ऐसा नहीं हुआ कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई और मंडल कमीशन की रिपोर्ट अगले दिन से रिपोर्ट आई उसके पास एक साल छह महीने के अंदर लागू हो गया, ऐसा नहीं हुआ, उसको भी हटा दिया गया। लागू हुआ जाके जब 1991 में उसके ऊपर दोबारा से डिबेट शुरू हुआ तब जाके वो लागू हुआ। आज इस चीज को इसलिए आप लोगों को समझने की जरूरत है कि EWS नाम का एक रिजर्वेशन भी आया इस देश में, कितने समय में आया, कैसे लागू हुआ, आप सबके सामने है। एक दिन सरकार, ये सरकार भी अनोखी है, इनको रात में सपने आते हैं, अगले दिन वो सपना निर्णय में बदल जाता है। इनको किसी कहीं पर पूरे देश के स्तर पर कोई ऐसा इस तरह के रिजर्वेशन के लिए बड़ी बड़ी कोई रैली, कोई बड़ा प्रदर्शन आपने देखा, कोई यूएन क्राय देखा, कोई मांग देखी आपने? नहीं सर, तीन सर स्टेट के इलेक्शन हुए और कुछ देखिए कैसे विमर्श करना जाता है, तीन स्टेट के इलेक्शन में विमर्श कर दिया गया कि बीजेपी इसलिए हार गई क्योंकि सवर्णों ने नोटा को वोट दिया। आप सबने ये चर्चा खूब सुनी होगी, और जरा नोटा की संख्या निकाल के देखेंगे तो उनकी संख्या, नोटा में वोट करने वालों की संख्या कितनी है, 1000-2000, और पहले भी होता रहा, ये 1000-2000 वोटिंग पहले भी होती थी नोटा के अंदर, लेकिन काम करवाना था तो इसको एक विमर्श में लाया गया कि बीजेपी हारी इसलिए कि सवर्ण नाराज है, और सवर्ण को नाराज करके इस देश में कोई सत्ता नहीं चल सकती, ये साबित किया है नरेंद्र मोदी सरकार ने। और उन्होंने क्या किया, एक दिन में लोकसभा, अगले दिन राज्यसभा, और उसके अगले दिन राष्ट्रपति का भी साइन हो गया, और उसके तीन दिन के अंदर यूनिवर्सिटी को चिट्ठियां चली गई हैं, आप सब शायद जानते होंगे कि 25% रिजर्वेशन लागू करो। क्या यही चीज ओबीसी रिजर्वेशन या SC/ST रिजर्वेशन के अंतर्गत होता है? 1991 का फैसला कोर्ट में जाके फंसता है, 1992 में कोर्ट डिसीजन करती है और कोर्ट एक पेज लगाती है, जो रिजर्वेशन ओबीसी का सामाजिक और शैक्षिक पिछड़े के रूप में लागू होना चाहिए था उसमें आर्थिक तत्व तो डाल दिया गया। हम आज कहते हैं कि आर्थिक रिजर्वेशन लागू, मैं हम कह रहे हैं आर्थिक रिजर्वेशन ही सामाजिक और शैक्षणिक रिजर्वेशन चाहिए, ओबीसी का रिजर्वेशन डे वन से आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन है। और आज EWS की बात तो कंप्लीट क्लियर हो गया, EWS में और ओबीसी में कोई फर्क है क्या, 8 लाख उनकी भी है, 8 लाख ओबीसी की भी है, तो कंप्लीट ये आरक्षण आर्थिक आधार पर हो चुका है। केवल ये है कि अभी उनकी हिम्मत नहीं हो रही है SC/ST रिजर्वेशन को छेड़ने की, इसलिए वो उसके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। आप सबको शायद पता हो या नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जो क्रिमिनल लेयर का प्रावधान है वो SC/ST के ऑलरेडी वो केस डाला हुआ है, जिसमें SC/ST कोशिश कर रहे हैं कि SC/ST के अंतर्गत क्रिमिनल लेयर लागू कर दिया जाए। और आप जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के आजकल फैसले आ रहे हैं उसमें हम सबको अलर्ट रहने की जरूरत है। देखिए एक चीज जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, रिजर्वेशन, हम आपके सामने एक सवाल रखना चाहते, अगर आपको चुनने के लिए दिया जाए कि ब्यूरोक्रेसी में रिजर्वेशन और हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन, तो हमको कौन सा रिजर्वेशन पहले चुनना चाहिए? मेरी समझ में है कि हायर एजुकेशन का रिजर्वेशन हमको पहले चुनना चाहिए। क्यों चुनना चाहिए? ब्यूरोक्रेट रिजर्वेशन लेकर अपने फंडी का काम कर रहे हैं, आपका और हमारा काम बहुत कम कर रहे हैं वो, लेकिन पहली बार देश के विश्वविद्यालय में हायर एजुकेशन का जो रिजर्वेशन आया है, मैं बार बार कह रहा हूं 2018-2019 गोल्डन एरा है,
हम सब यंग लोग हैं, 2007 तक ओबीसी का रिजर्वेशन, हाई रिजर्वेशन जो 1993 में रिजर्वेशन पूरे देश में लागू किया गया, ओबीसी का जानबूझकर हाई रिजर्वेशन का रिजर्वेशन नहीं लागू किया गया, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस दिन उस शिक्षा में ये बच्चे और ये प्रोफेसर आ जाएंगे वो देश को एक दिशा देने का काम करेंगे, अपने नागरिकों को, अपनी जनता को, उनके जो उस वर्ग के लोग हैं उनको समझाने का काम करेंगे, इसलिए वो बार बार उसको रोकते हैं। और 2007 में जो ओबीसी का रिजर्वेशन लागू हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप कुछ विद्यालयों के अंदर जाकर देखिए, एक बड़ा कोहराम मचा हुआ है, लोग नाराज हैं कि ये नए बच्चे कहां से आ गए हैं, इन्होंने तो पूरी विमर्श की दिशा ही बदल दी। इसलिए मेरा स्पष्ट मानना है कि सबसे पहले हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन को कंप्लीट लागू बनाने की हमको लड़ाई लड़नी चाहिए, और जिस दिन हम इसमें सक्सेस हो जाएंगे, पूरे देश भर के विश्वविद्यालय में अगर 7.5% 15% और 27% इंटर कर जाएगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं पूरे देश के सोचने की दिशा बदल जाएगी। दो महत्वपूर्ण बात, चूंकि समय कम है, चीजें बहुत ज्यादा थी कहने की। देखिए, हम लगातार आंदोलन करते रहते हैं, हम लगातार सड़कों पे रहते हैं, और मुझे लगता है सबसे ज्यादा पिटाई और सबसे ज्यादा मार हम लोग खा रहे हैं, हमारी संख्या ज्यादा है, हम प्रतिरोध भी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हम असफल क्यों हैं? उसके लिए दो महत्वपूर्ण जिम्मेवार तत्व हैं इस देश के, एक है जुडिशियरी और दूसरी है इस देश की मीडिया 24/7 पर्दे वाला भोपू। जुडिशियरी ने अपना चेहरा, मैंने उस दिन भी कहा था और आज भी कहता हूं, सुप्रीम कोर्ट के सामने मनु महाराज की मूर्ति लगा देनी चाहिए, क्योंकि आज अगर कोई स्वर्ग और नरक की परिकल्पना है तो स्वर्ग में बैठा हुआ या नरक में बैठा हुआ मनु महाराज सबसे ज्यादा खुश हो रहा होगा, क्योंकि उनके चेले बैठकर उनकी इच्छा को पूरा करने में लगे हुए इस देश में, बैठकर न्याय व्यवस्था में। आप देखिए उन फैसलों को, लास्ट 4 इयर्स 3 इयर्स में किस तरह के फैसले दिए गए। अभी जो हाल का फैसला अभी जितेंद्र यहां बोल कर गया, उसने अपनी पीड़ा व्यक्त की है, क्या किसी जज ने इस बात को सोचा नहीं कि आप जो फैसला देने जा रहे हैं, जो इस देश के मूल निवासी है, जिनकी जमीन है, आपकी इतनी हिम्मत हो रही है आप ये फैसला दे रहे हैं वो वहां से हट जाएंगे? कहां से आती है हिम्मत? रिजर्वेशन में 13 पॉइंट होस्टल हो या इससे पहले एट्रोसिटी एक्ट का फैसला आप उठाकर देखिए, तो हम सबको जो दूसरी लड़ाई लड़ने की जरूरत है एजुकेशन के बाद, वो है जुडिशियरी की, जहां पर हमको 100 जो हमारा 50% रिजर्वेशन जो लागू है, वो रिजर्वेशन की डिमांड हमको जुडिशियरी में करनी पड़ेगी और ईमानदारी से लड़नी पड़ेगी। अदरवाइज आप सड़कों पर चिल्लाते रहेंगे, आपका काम नहीं होने वाला। आप हर जगह आप सोचिए ना, जी मंडल कमीशन जब सरकार ने आगे बढ़ के लागू कर दिया था, उसमें ये क्रिमिनल एक्ट डालने की हिम्मत किसने की और किसने कोर्ट को ये दिया था, मैंडेट दिया था इतनी बड़ी हिम्मत करने की? और दूसरा जो अंतिम बात है, आप मीडिया के हालात आज आप देख रहे हैं, कई बार जब मैं मीडिया में रिजर्वेशन की बात करता हूं, कई साथी ये कहते हैं जो प्राइवेट सेक्टर है वहां पर रिजर्वेशन हमको नहीं मिल सकता। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मीडिया प्राइवेट सेक्टर नहीं है, भले ही वो प्राइवेट सेक्टर के प्रावधानों से बना है। आप मुझे एक चीज बताइए, मैंने जेएनयू में भी ये बात कही थी कि दो प्राइवेट संस्था है, एक पातंजलि है और एक रिलायंस है, दोनों प्राइवेट संस्थाएं हैं, क्या दोनों एक दूसरे के खिलाफ बोल सकते हैं पब्लिक में आके? क्या वो एक दूसरे के खिलाफ कोई प्रचार प्रसार कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन मीडिया आज रोज आपको एक हमारे खिलाफ और एक दूसरे के खिलाफ बोलता रहता है, निजी संस्थान होकर कैसे वही काम कर सकता है? इसलिए कि वो निजी संस्थान नहीं है, और जो उसकी जिम्मेवारी है, जो जिस तबके के लिए वो वहां पर आकर बैठा हुआ उनके लिए काम कर रहा है, जिस बड़े चीज की एक जरूरत होती है समाज में जनमत निर्माण की, वो वहां पर बैठ के समाज में जनमत निर्माण का काम कर रहे हैं, और वो जो जनमत निर्माण का काम हो रहा है वो हमारे और आपके खिलाफ है। आपको मैं नाम बता सकता हूं चैनलों के जिसमें पता रहता था, जब हम लोग एमए कर रहे थे और हमारे कई साथी जर्नलिज्म का कोर्स कर रहे थे, तो पहले से तय करते थे कि मैं अमुक जाति का हूं और मुझे अमुक चैनल में नौकरी मिले, क्योंकि अमुक जाति का जो हेड है हमारी जाति का। जब वो एक हमारे पूरे समाज के ऊपर टीका टिप्पणियां कर सकते,
सकता है। तो ये चीजें अगर वहां पर लागू है, तो हमारे जाति का चैनल है उसी में हमारे को नौकरी मिलेगी, तो हम आप उससे क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हमको इस चीज को निरस्त करना है कि मीडिया प्राइवेट संस्था नहीं है, मीडिया एक बड़ी जिम्मेवारी है और उस मीडिया के अंतर्गत हमारा रिप्रेजेंटेशन उसी आधार पर जैसे अन्य जगहों पर हमें मिला होगा वहां पर हमको मिलना चाहिए। और अगर ये नहीं मिलता है तो ऐसे मीडिया की हमको जरूरत नहीं है, ये 24/7 बजने वाले भोपू को बंद कर देने की जरूरत है, ये भी हम सबको आगे आके कहना पड़ेगा। अदरवाइज हम सड़कों के लड़ते रहेंगे और हमें कोई इसका हमें कोई रास्ता और कोई निदान नहीं मिलेगा। और बहुत बहुत धन्यवाद, चूंकि कम समय था। एक चीज जो और हम सबको अपने जहां पर भी आप जाते हैं, जहां पर डिसीजन मेकिंग हो रहा है, कि रिजर्वेशन इंप्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम करने वाले अधिकारियों के लिए सजा का कोई प्रावधान नहीं, क्योंकि यह बहुत ऑपरेटिव पार्ट है। हम कानून में तो किताब कानून की किताब में लिख दिया गया है 15%, 7.5% और 27%। हम रोज चर्चा करते हैं कि क्यों नहीं पूरा हुआ। हम सबको अपने डिमांड में आगे से जब भी आप कहीं आते जाते हैं, अपने एमपी एमएलए जो हमारा रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं उनसे कहिए कि आप एक प्रावधान बनाइए कि जो अधिकारी रिजर्वेशन के खिलाफ काम करता पाया जाए उसको 7 साल की सजा कम से कम हो। ये अगर प्रावधान हम आप नहीं दिलवा पाएंगे तो हमारी छुट्टी रोज यही रहेगी, हम सेमिनार करते रहेंगे और सड़कों पर घूमते रहेंगे। थैंक यू, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।